एक व्यक्ति ऑफिस में देर तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि उसका 5 वर्षीय बेटा सोने के बजाय उसका इंतजार कर रहा है। अंदर घुसते ही बेटे ने पूछा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है? पिता ने कहा। बेटा, पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों पूछ रहे हो? पिता ने झुंझलाते हुए उत्तर दिया। बेटा, मैं बस यूं ही जानना चाहता हूं, प्लीज बताइए कि आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? पिता ने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, 100 रुपए। अच्छा? बेटी ने मासूमियत से सिर झुकाते हुए कहा, पापा क्या आप मुझे 50 रुपए उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही वो व्यक्ति आग बबूला उठा। तो तुम इसलिए यह फालतू का सवाल कर रहे थे कि ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम कोई बेकार का खिलौना या उटपटांग चीज खरीद सको? चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सोचो तुम कितने सेल्फिश हो। मैं दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता हूँ और तुम उस बेकार की चीजों के लिए पैसा बर्बाद करना चाहते हो। यह सुन बेटे की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में चला गया। व्यक्ति अभी भी गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर उसके बेटे ने ऐसा सवाल करने की हिम्मत कैसे की। पर 1-2 घंटा बीतने के बाद वो थोड़ा शांत हुआ और सोचने लगा कि हो सकता है उसके बेटे ने सच में किसी जरूरी काम के लिए पैसे मांगे हों, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इस तरह से पैसे नहीं मांगे थे। फिर वह उठकर बेटे के कमरे में गया और बोला, क्या तुम सो रहे हो? नहीं, जवाब आया। मैं सोच रहा था शायद मैंने बेकार में ही तुम्हें डांट दिया, दरअसल दिन भर काम के बाद बहुत थक गया था, व्यक्ति ने कहा। आई एम सॉरी, ये लो 50 रुपए। ऐसा कहते हुए उसने अपने बेटे के हाथ में 50 की नोट रख दी। थैंक यू पापा, बेटा खुशी से पैसे लेते हुए कहा और फिर वह तेजी से उठकर अपनी अलमारी की तरफ भागा। वहां से उसने ढेर सारे सिक्के निकाले और धीरे धीरे उन्हें गिनने लगा। यह देखकर व्यक्ति फिर से क्रोधित होने लगा। जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुमने मुझसे पैसे क्यों मांगे? क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे पर अब पूरे हैं, बेटे ने कहा। पापा अब मेरे पास 100 रुपए हैं, क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज आप ये पैसे ले लीजिए और कल घर जल्दी आइएगा, मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। दोस्तों, इस तेज तर्रार जीवन में हम कई बार खुद को इतना बिजी कर लेते हैं, उन लोगों के लिए ही नहीं समय निकाल पाते जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि इस आपाधापी में भी हम अपने माँ बाप, जीवन साथी, बच्चों और अभिन्न मित्रों के लिए समय निकालें, वरना एक दिन हमें भी एहसास होगा कि हमने छोटी मोटी चीजों को पाने के लिए कितना कुछ बड़ा खो दिया है। धन्यवाद।